हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग नुहू में गए थे, आपने जो नुहू की रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपी है, सर किस तरीके से आप लोग वहां पर गए, आप लोगों को रोका भी गया सर वहां पे? नहीं, जो वहाँ पर जो हमें रोका गया था, सारा जो मसले थे हमारे, वो सारी बातें हमने रिपोर्ट बना करके वो अपना हाईकमान को भेज दी। और सर, लगातार मिशन 2024 को लेकर आप काम कर रहे हैं सर, लगातार हरियाणा में दौरे कर रहे हैं सर, लगातार दिल्ली में ही बैठे बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है सर, किस तरीके से? सारा जो संगठन के लिए गंभीरता से प्रयास चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी संगठन बने। सर, आगामी जिस तरीके से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आपके पूरे प्रदेश में चल रहे हैं सर, विपक्ष आपके समक्ष आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं सर, कितनी मजबूती आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी सर? कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और भारी बहुमत से। ये भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रहेगी, भारी बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। सर, अभी प्रदेश में क्राइम ग्राफ की बात करें, जिस तरीके से सोनीपत की आपको घटना देख लीजिए, बच्ची के साथ होटल में रेप की घटना सामने निकल कर आ रही है, कानून व्यवस्था किस तरीके से आप देखते हैं सर प्रदेश की बात करें? ये तो जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो आंकड़े हैं जी, क्राइम के, नेशनल क्राइम ये ब्यूरो के, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हरियाणा अपराध में सारे देश के अंदर नीचे से एक और ये स्टेट हरियाणा से बाकी तो सबसे बुरी हालत जो है कानून व्यवस्था की हरियाणा के अंदर है। तो बच्चों के साथ अपराध में, महिलाओं के साथ अपराध में, सारे जो क्राइम है जो वो सभी में हरियाणा नंबर आगे जा रहा है। सर, बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में है, सीईटी का पेपर होता है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होता है सर, इस को किस तरीके से देखते? एक मजाक चल रहा है, एक षड्यंत्र है इस सरकार का, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 40 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। अब आपने देखा कि भाई सीईटी का जिस तरह से पेपर था, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का था, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का था, नेक्स्ट डे पब्लिक सर्विस कमीशन का था, उससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का था। दोनों के पेपरों में 41 जो सवाल थे वो सेम थे। तो इससे पता लगता है कि भाई ये किस तरह से सरकार काम कर रही है, और ये कोई लगता है कि भाई हमारे नौजवानों के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है। कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा, उसमें फिर स्टे मिल जाएगा, फिर हो गई, फिर सालों गए, तो जब तक कोई प्रक्रिया पूरी होने को होती है तभी वो खत्म हो जाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों पर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।